जोर से बोलो। यहाँ नरेंद्र चंचल का चक्राता नहीं चल रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ धर्म सिंह नकली। जैसा कि आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, देख ही सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना बाबा। बोलो बेटा। मैं हूँ सनी सिंह नकली। बाबा एक बात बताइए, मुझे समझ में नहीं आया, ये इतने सारे लोग हमें यहाँ पर देखने क्यों आए हैं? ऐसा क्या है हम में बाबा? हम में नहीं, मुझ में है। क्योंकि मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ और मैं पहले शत्रु जी बन के आने वाला था, पर मुझे पता चला कि शत्रु जी यहाँ आए हुए हैं तो मैं उनके हाथों से कोई वायलेंस नहीं देख सकता। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा है आने वाला साल। वो कैसे बाबा? क्योंकि इस साल पता चलेगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बात बताइए पापा। हाँ? आपको पता है ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? सच बताइए पापा, सच बताइए। हाँ। तो बताइए ना क्यों मारा? एक्चुअली क्या था, बाहुबली ने कटप्पा के ऊपर हरा रंग डाला, बाहुबली ने उसे मार डाला, मार डाला, मार डाला। हाँ। एक मिनट, ये जो इधर है, ये यहाँ बोतल रखी हुई है, इसका ढक्कन कहाँ है? बाबा ये क्या कह रहे हैं आप, वो बोतल नहीं है, वो ट्रॉफी है पापा, ट्रॉफी। अच्छा, फिर ऐसी टेडी क्यों खड़ी हुई है, ये ड्रंकर्ड है क्या? बाबा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये देखिए पूरी की पूरी फ्रेटर्निटी यहाँ पर बैठी हुई है और आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं? मैं इस फ्रेटर्निटी से एक ही सवाल पूछना चाहूंगा। पूछिए ना बाबा। कि फ्रेटर्निटी के स्पेलिंग क्या होते हैं? जब काम चल रहा था इंडस्ट्री वर्ल्ड से तो फिर फ्रेटर्निटी बनाने की क्या जरूरत थी? चलिए कोई बात नहीं, मैं शेर पेश कर देता हूँ। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वाह बाबा वाह, कमाल की बात कही है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, क्या होता क्या है बाबा? कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। मैं भी एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। कर कर। मैं निकला गड्डी लेके, रस्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया। और तू उसे गड्डी छोड़ आया? नहीं पापा, अब मैं अपनी गड्डी वापस लेके आया हूँ। आई हैव बिकम अ रिस्पॉन्सिबल बॉय पापा। मुझे सच बताऊँ पापा, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो फिर बनता क्यों नहीं, बनना? ओ पापा, आपकी मिमिक्री मुझे ठीक से आती नहीं है। अच्छा। इसलिए सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं उड़ा रहा। बेटे एक बात बता, जब ये मजाक उड़ता है तो उड़ के जाता कहाँ है? वैसे सवाल अच्छा है पापा। हाँ। लेकिन एक और सवाल है पापा जो अंदर से मुझे खाए जा रहा है। अगर खा गया होता तो पतला नहीं हो गया होता? हाँ बोल, क्या है सवाल? पापा अगर आर बल्की है। हाँ। तो एस क्या है? एस एस रजामौली है। बेटे तू बता के दंगल और सुल्तान में से तेरी फेवरेट फिल्म कौन सी है? बाबा चार ऑप्शन तो दीजिए। ए सुल्तान, बी दंगल, सी सुल्तान, डी दंगल। हेलो भैया, आप मुझे बताइए कि मेरी फेवरेट फिल्म कौन सी है सुल्तान और दंगल में से? चार ऑप्शन है, ए सुल्तान, बी दंगल, सी सुल्तान, डी दंगल। ओके भैया ने जवाब दे दिया पापा। क्या कहते? कहते 50-50 कर लो। इसको कह रहे हैं आप ये? ओ यार हाँ, कंप्यूटर तो है ही नहीं, कोई ले गया कंप्यूटर? पापा कंप्यूटर कभी था ही नहीं यहाँ पे। अच्छा आप 50-50 कीजिए ना पापा। ठीक है, सुल्तान और दंगल में से बता तेरी फेवरेट फिल्म कौन सी है? ये क्या हो गया पापा, ये तो हमने जहाँ से शुरू किया था हम वहीं आके खड़े हो गए। बेटे इतनी दूर से हम थक के आए हैं तो थोड़ी मुझे भूख लगी है, थोड़ा दूध है तो वगैरह कुछ। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो पनीर देंगे, दूध मांगोगे तो श्रीकांत देंगे। जो मांग रहा हूँ वो क्यों नहीं देता? दूध मांग रहा हूँ दूध दे देना, क्यों महंगी आइटमें दे रहा है इतनी सारी? अरे बाबा मुझसे गलती हो गई।